288 लोगों की मौत के पीछे आखिरकार साजिश किसकी है, और यह शक गहराता भी जा रहा है क्योंकि रेल मंत्री ने खुद कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ हुई है। अब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम एक बेहद ही एडवांस सिस्टम है, ट्रेन का कोई भी ड्राइवर मैनुअली इसको चेंज नहीं कर सकता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम है, इसको सिर्फ चेंज करने का कुछ लोगों के पास ही अधिकार होता है, हर किसी के पास नहीं होता है। अब इसके राइट्स चुनिंदा लोगों के जिनके पास है उनको भी शायद चिन्हित किया जा चुका है, जिसका जिक्र तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन आखिरकार वो कौन है जिसने जानबूझकर इतने लोगों की जान ले ली? और किसी ने जानबूझ के अगर ये किया है तो वो कौन हो सकता है और किसके पास से अधिकार होता है, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, ये जानने के लिए हमारे साथ गेस्ट बने हुए हैं एसके विज जी, जो कि रेलवे एक्सपर्ट हैं। एसके विज जी, ये जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को हर कोई चेंज नहीं कर सकता है, कुछ लोगों के पास ही ये अधिकार होता है, क्या इसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है? जिसके पास राइट्स है उसको चेंज कर सकता है और उस सिस्टम में जहां ऑलरेडी ट्रैक पर एक ट्रेन मौजूद है दूसरे ट्रेन को भेज सकता है सिग्नलिंग के जरिए? मैं थोड़ा समय लूंगा बताने में जी। मैंने स्विच रेल बोला है, उसकी प्रॉपर स्नग फिटिंग जो रेल, जो मेन रेल है उसके साथ हो जाए, ये जब इंश्योर होता है तभी एक पॉइंट मोटर डिटेक्ट करती है कि उसकी सेटिंग ठीक हो गया है, वही फिर एक रिले को एक्टिवेट करती है, उस रिले के बाद में सिग्नल आते हैं। अब वो जो स्नग फिटिंग जो मैं कह रहा हूँ वो प्रूव कैसे होगी, अगर उसमें और जो रेल मेन रेल है उसमें गैप नहीं होगा, उसके लिए टेस्टिंग के लिए गेज दिए गए होते हैं लोगों को, उसमें एक मिलीमीटर का गेज से चेक करते हैं, अगर वो गैप नहीं है तब वो माना जाता है, और इसका मेंटेनेंस होता है हर हफ्ते जूनियर सुपरवाइजर लेवल, हर महीने सीनियर सुपरवाइजर लेवल, हर 3 महीने एक और सीनियर सुपरवाइजर लेवल, और इसका जॉइंट इंस्पेक्शन होता है ट्रैक और सिग्नलिंग दोनों लोगों का इकट्ठा, उसके लिए एक ट्रैफिक ब्लॉक भी लिया जाता है। ये फिर से ये हादसा कैसे हो गया सर? मेरी बात सुने, थोड़ा सा टाइम और दे मेरे को। तो ये पॉइंट पर कुछ काम चल रहा था, ये पॉइंट क्या सेट ठीक नहीं हो रहा था, या रिले काम नहीं कर रही थी, या पॉइंट मोटर क्यों नहीं डिटेक्ट कर रही थी, ये जो डिटेल है ये पूरी इंक्वायरी के बाद में पता लगेगा। तो स्टेशन मास्टर ने क्योंकि कुछ ये पॉइंट प्रॉब्लम दे रहा था तो सिग्नल स्टाफ को बोला था कि भाई तुम जाके रिले रूम में देखो क्या बात है। वो जो सिग्नल स्टाफ काम कर रहे थे वो ये नोटिस करना भूल गए कि सिग्नल तो मेन लाइन के है, उन्होंने रिले को उठा दिया और ट्रैक जो है वो लूप लाइन के लिए सेट था, ये चीज वो देखना भूल गए। इसमें मेरे ख्याल में कोई साजिश की बात सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट पर काम चल ही रहा था। अब जो काम करने वाले के मन में साजिश आ गई वो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज का ये तकनीकी जो डिटेल है वो मैंने बताया, और ये काम मैंने जो बताया हर हफ्ते, हर महीने, हर 3 महीने ये जॉइंटली भी होता है, इस बात को नोटिस किया जाए। रेल या पॉइंट मोटर की लाइफ काफी ए फ्यू डिकेड्स की लाइफ होती है इनकी। अच्छा सर, मैं उस पॉइंट को एक बार फिर से समझना चाहते हैं, क्योंकि दर्शक ये जानना चाहेंगे कि कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि सब ये जानते हैं कि अगर लूप लाइन में या फिर किसी ट्रैक पर ऑलरेडी एक ट्रेन मौजूद है तो सिग्नल अपने आप ऑन नहीं हो सकते, ग्रीन नहीं हो सकते। ऐसे में मेन लाइन की ट्रेन जो कि स्टेशन छोड़ चुकी है, स्टेशन से निकल के महज 3 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर आप कहिए कि एक्सीडेंट हो जाता है, लूप लाइन पे चली जाती है, तो वो कैसे हो गया, एक बार फिर से बताइए जरा आसान शब्दों में, लोग समझ जाए कि ये किस तरह से हुआ है। मैंने कहा कि वो पॉइंट की सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, जिस पॉइंट से लूप लाइन शुरू होती है, इसकी वजह से स्टेशन मास्टर ने कंप्लेंट एक दर्ज कराया, लोग काम कर रहे थे, उस काम करने के साथ साथ जो वो टंग रेल जो है, स्विच रेल जो है, वो रनिंग रेल के साथ पूरी फिट आ जाए, वो गेज के साथ चेकिंग कर रहे थे, वो पॉइंट मोटर डिटेक्ट कर रही है सेटिंग पूरी वो चेक कर रहे थे, पर ये काम करते करते उन्होंने कोई रिले जो था उस रिले रूम में, रिले रूम जो है जॉइंट कंट्रोल में होता है स्टेशन मास्टर और सिग्नलिंग स्टाफ दोनों के, उसको अकेला आदमी ऑपरेट या खोल के अंदर नहीं जा सकता, पर वो क्योंकि काम चल रहा था तो अंदर था, जब उसने
रिले किसी को उठा दिया, जो कि रिले ऑटोमेटिकली उठनी चाहिए थी सिग्नल देने के लिए, उस प्रोसेस में ये नहीं उसको देख पाया कि ये मेन लाइन का सिग्नल आ गया है और रूट सेट लूप लाइन का है, ये गलती हुई है। और साजिश की बात मैं फिर कहूंगा, मेरे को नहीं लगती बिल्कुल भी। लेकिन ह्यूमन एरर आप मान रहे हैं कि हुआ है? हाँ, ह्यूमन एरर हुआ है, और ये मेंटेनेंस का एक काम है जिसमें अच्छी सावधानी देने का मतलब ये होगा कि अगर ट्रेन को लाइन क्लियर दे दिया गया है, सिग्नल दे दिए गए हैं, तो उस टाइम रिले को छेड़ना नहीं चाहिए था। और जो छेड़ने की जो आप बता रहे हैं, छेड़छाड़ का आपने जिक्र किया है, वो ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है। तो हमारे साथ विच साहब थे, जिन्होंने हमें बताया कि आखिरकार किस तरह से ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम काम करता है। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से ये ह्यूमन एरर की वजह से हुआ कि जो मेन लाइन की ट्रेन है वो लूप लाइन में चली गई, और ये जो अधिकार होता है कि आप इसमें चेंज कर सकते हैं इस पूरे इंटरलॉकिंग सिस्टम में, वो सिर्फ सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास होता है, जिसमें एक स्टेशन मास्टर भी होते हैं जिनके पास ये अधिकार रहता है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।